हाय एवरीवन कैसे आप सभी तो गाइस आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोलर बोल्ट का मोनोग्राम कैसे बनेगा दोस्तों पार्ट्स के हेड हाइट के अकॉर्डिंग मोनोग्राम में कितना एंगल लगेगा कितना उसका डीप रहेगा और दोस्तों साथ साथ एचआरसी का क्या रिक्वायरमेंट रहता है और पंच केस के अंदर मोनोग्राम में कितना प्रेसिंग मार्जिन रखा जाता है आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको बताने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है खास तौर पर ऐसे एम्प्लॉइज के लिए जो कोल्ड फोर्जिंग सेक्शन में बोल्ट मेकर ऑपरेटर हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए बिना बकवास किए इस वीडियो को शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों बोल्ट और स्क्रू काफ़ी टाइप के होते हैं उनको बनाने का मेथड सभी का अलग अलग रहता है स्क्रू और बोल्ट में जो सबसे क्रिटिकल पार्ट्स होता है वह टूल्स होता है अगर हमारा टूल्स सही नहीं है पार्ट्स हम कभी नहीं बना पाएंगे दोस्तों आज की वीडियो कॉलर बोल्ट के टूल्स से रिलेटेड है उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं ज़्यादातर वीडियो कोल्ड फोर्जिंग सेक्शन में जो बोल्ट ऑपरेटर हैं उनके लिए ही बनाता हूं ताकि वे टूल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पा सकें दोस्तों हमें कोलर बोल्ट का हेडिंग पंच बनाने के लिए मोनोग्राम बनाने के लिए या फिर हैमर बनाने के लिए हमें सबसे पहले पार्ट्स के हेड हाइट का डायमेंसन्स देखना होगा अगर आपका पार्ट्स का हेड हाइट नाइन पॉइंट थर्टी एम एम है अब आपको देखना होगा कि जो आपके पार्ट्स का कोलर है उसका लेंथ कितना है दोस्तों हेड हाइट से कोलर लेंथ माइनस करेंगे तो आपका हेडिंग पंच का डीप निकल कर आएगा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ आप ध्यान दीजिए अगर आपके पार्ट्स का हेड हाइट नाइन पॉइंट थर्टी एम एम है तो दोस्तों अगर आपके कोलर लेंथ वन पॉइंट टू है तो दोस्तों एट पॉइंट टेन mm एम एम का आपका मोनोग्राम का डीप बनेगा दोस्तों फिर सुन लीजिए हेड हाइट में से कोलर लेंथ कम करेंगे तो आपका कोलर बोल्ट के मोनोग्राम का डीप निकल कर आएगा सभी कॉलर बोल्ट के मोनोग्राम में हम थर्टी डिग्री फेस वाली यूज़ करेंगे और दोस्तों सभी मोनोग्राम होल वाले यूज़ करेंगे ताकि आपका फटने का प्रॉब्लम ना आए और एयर आपका पासिंग आसानी से हो सके और दोस्तों बाहर का हम जो डिग्री इस्तेमाल करेंगे वो हमारा टू डिग्री रहेगा ड्राइंग हैंड स्केच मैंने बनाया है आप उसमें देखिएगा दोस्तों सभी मोनोग्राम का पंच केस के अंदर प्रेसिंग मार्जिन पॉइंट वन एम एम ही रहता है दोस्तों इससे ज़्यादा या इससे कम आप प्रेसिंग मार्जिन ना लें अगर आप कम प्रेसिंग मार्जिन लेंगे तो आपका मोनोग्राम फटने का टूटने का चांस ज़्यादा रहेगा और दोस्तों अगर आप ज़्यादा मोनोग्राम का ओडी लेंगे तो दोस्तों आपका पंच केस स्कोरिंग का प्रॉब्लम बार बार आएगा दोस्तों आप सभी के मन में एक डाउट फिर से है आप जानना चाहते हैं मोनोग्राम में हेडिंग पंच में या हैमर में एचआरसी का क्या रिक्वायरमेंट रहेगा हम फोर्जिंग प्रोसेस के दौरान कितना एचआरसी रखते हैं ताकि हमारा मोनोग्राम फटने या टूटने का प्रॉब्लम ना आए तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं हम 58 से लेकर 60 के बीच में ही एच का रिक्वायरमेंट रखते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं हम मोनोग्राम में हैमर में हेडिंग पंच में रॉ मेटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं एच सी एच सी आर डी टू या डी थ्री ग्रेड में ही यूज़ करते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी नए वीवर्स और पुराने वीवर्स के लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगी अगर आप फास्टनर लाइन का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें